7 जनवरी 1993 का दिन था। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी। इसी दौरान एक रेप की घटना होती है। रेप पीड़िता का आरोप था कि उसे न्याय नहीं मिल रहा। बस इसी रेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए एक जिद्दी, एक विरोधी लड़की मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठ जाती है। बस फिर क्या था, मामला इतना बढ़ जाता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर सुरक्षा कर्मी उसे खदेड़कर बाहर निकाल देते हैं। 18 साल बाद पिक्चर बिल्कुल चेंज हो जाती है। ये लड़की मुख्यमंत्री कार्यालय में आती भी है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी इसका स्वागत करते हैं बाएं फैलाए हुए और इसे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा देते हैं। इस लड़की का नाम था ममता बनर्जी। ममता बनर्जी अपना नामांकन का पर्चा भर चुकी हैं नंदीग्राम से, लेकिन उनकी कहानी इतनी खास है कि आपको उनकी कहानी जरूर सुननी चाहिए। स्कूल टीचर भी रही हैं, एक सेल्स गर्ल भी रही हैं, एक स्टेनोग्राफर भी रही हैं, लेकिन फिर राजनीति में उनकी एंट्री कैसे हुई? कभी राजीव गांधी के पीछे पीछे चलने वाली ये लड़की सूबे की मुख्यमंत्री भी बनी और सूबे में लेफ्ट की 3 दशक की सरकार को इसने उखाड़ फेंका। ये बीजेपी में भी रही, ये कांग्रेस में भी रही, लेकिन लेफ्ट इसका कट्टर विरोधी पहले भी था, आज भी है और शायद हमेशा ही रहेगा। कौन है ममता बनर्जी, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। 5 जनवरी 1955 में कोलकाता के बेहद सामान्य परिवार में जन्मी ममता बनर्जी के पिता का नाम था प्रमिलेश्वर। 9 साल की जब वो थी तो उनके पिता का निधन हो गया। उनके पिता बेहद जिद्दी और विद्रोही स्वभाव के माने जाते थे और यही खासियत ममता बनर्जी के पास भी रही और शायद उनका यही जिद्दीपन और यही विद्रोहीपन रहा जिसने 13 साल में उनकी एक ऐसी पार्टी जिसको उन्होंने एकला चलो नारे के साथ शुरू किया था, वो 2011 में मुख्यमंत्री भी बनी और आज भी मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं। अपने पिता के निधन के बाद ममता बनर्जी ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। कोलकाता के जोगमाया देवी कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी से उन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। लेकिन उनकी पढ़ाई यहीं तक रुकी नहीं, उन्होंने आगे लॉ की डिग्री भी हासिल की। जब वो कॉलेज में थी तो उस वक्त ही उन्होंने अपने सियासी करियर की शुरुआत कर दी थी। वो कांग्रेस के स्टूडेंट यूनियन के साथ जुड़ी और जिस तरीके से उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर में जुझारूपन के साथ शुरुआत की, आज भी उनका वो जुझारूपन जारी है। वो राजनीतिक जीवन में बेहद गुस्सैल मानी जाती है, लेकिन वो ऐसा कविता पाठ करती हैं कि उन्हें तैयारी करने की भी जरूरत नहीं होती और वो खड़े खड़े अपने विरोधियों को अपने वन लाइनर से चित्त भी कर सकती हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि उन्हें पेंटिंग बनाने का बहुत शौक है। बहुत सादे जीवन में वो बिलीव करती हैं, बंगाल का जैसा खाना होता है वो ऐसा खाना बिल्कुल नहीं खाती, ना तो वो ऑयली फूड खाती हैं। और साथ ही अगर उनके कपड़ों के बारे में बात करें तो वो बंगाल के बने हुए कपड़ों को ही ज्यादातर पहनती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि उन्होंने छात्र जीवन में ही अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कर दी थी। कांग्रेस की स्टूडेंट यूनियन के साथ वो जुड़ी तो वो कई आंदोलन का हिस्सा रही। उनकी सिर्फ ये इच्छा थी कि लेफ्ट, जो कि पश्चिम बंगाल की सत्ता में कई सालों से काबिज थी, उसे उखाड़ फेंकना। और शायद ममता बनर्जी की यही जिद थी कि उन्होंने जब अपनी पार्टी बनाई तो उन महज 13 साल में उन्होंने लेफ्ट की पार्टी को सत्ता से हटाया भी और 2 साल के कार्यकाल को उन्होंने बखूबी निभाया भी। साल 1984 ममता बनर्जी के करियर का टर्निंग पॉइंट रहा। दरअसल लेफ्ट की सरकार तो थी ही, बल्कि लेफ्ट की सरकार पश्चिम बंगाल में बेहद मजबूत थी और उसी दौरान लेफ्ट के एक चर्चित चेहरे थे जो दिग्गज नेता थे सोमनाथ चटर्जी। जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो जादवपुर लोकसभा सीट से उनके सामने कांग्रेस की ओर से कोई भी खड़ा होने का नाम नहीं ले रहा था मैदान में। उस वक्त 2-3 लोगों से कांग्रेस ने पूछा, लेकिन इन तमाम लोगों ने चुनाव लड़ना सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ साफ मना कर दिया। उस वक्त फिर ममता बनर्जी से पूछा गया। ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि ममता बनर्जी शायद अगर मैदान में उतरी भी तो शायद बुरी तरीके से हार जाएंगी, लेकिन ममता बनर्जी सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ मैदान में उतरी भी और उन्हें हराया भी। इसके बाद 1989 में वो दोबारा से लोकसभा चुनाव लड़ी, लेकिन वो हार गई। 1991 में उन्होंने दोबारा से चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार उनकी जीत हुई। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में उन्हें मंत्रालय भी दिया गया। मंत्रालय का नाम था युवा कल्याण और खेल मंत्रालय, लेकिन 1992 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका ये मानना था कि वो कलकत्ता यानी कि पश्चिम बंगाल में जाकर अपने लोगों की सेवा करना चाहती हैं। 1996 में वो कांग्रेस के आला कमान से इस बात पर नाराज हो गई कि उनसे उम्मीदवारों की लिस्ट शेयर नहीं की और किन किन उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाना है उसके बारे में भी नहीं पूछा गया। 1997 में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार झेलनी पड़ी। इसके बाद 1998 में उन्होंने कांग्रेस से अलग होने का फैसला किया। 1998 में उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई जिसका नाम रखा तृणमूल कांग्रेस, जिसे कि हम TMC नाम से भी जानते हैं। ममता कांग्रेस के साथ भी रही, वो बीजेपी के साथ भी रही, लेकिन उनका मकसद साफ था, लेफ्ट को सत्ता से उखाड़ फेंकना।
अपनी अलग पार्टी बनाने के बाद 1998 में ही ममता बनर्जी ने बीजेपी से हाथ मिला लिया, जिसके बाद बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी को 42 लोकसभा सीटों पर विजय मिली। 1999 में जब एनडीए की सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, उस वक्त भी उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन उस वक्त भी वो बात बात पर नाराज हो जाया करती थी। जब भी उनकी बातों को नहीं सुना जाता था तो वो सरकार से अपनी नाराजगी जाहिर जरूर करती थी। 1998 से लेकर 2001 तक वो एनडीए सरकार के साथ रही, लेकिन इसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया, जिस कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने टीएमसी पार्टी बनाई थी। 2006 में वो एक बार फिर से कांग्रेस के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। लेकिन ममता बनर्जी के पूरे करियर में जो टर्निंग पॉइंट रहा, वो रहा सिंगूर और नंदीग्राम। 2004 के लोकसभा चुनावों में ममता बनर्जी की पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, लेकिन इसी दौरान उन्होंने सिंगूर और नंदीग्राम में किसानों के हक में जमीन अधिग्रहण विरोधी लड़ाई लड़ी, जिसके बाद पूरे देश भर का ध्यान ममता बनर्जी पर ही गया और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की इच्छा भी रातों रात बदल गई। लोग उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखने लगे और लेफ्ट, जो कि 3 दशक से पश्चिम बंगाल में सत्ता पर काबिज था, लोगों ने लेफ्ट को ममता बनर्जी की वजह से हटाने का मन बना लिया और 2011 में ममता बनर्जी का सपना पूरा हो गया। ममता बनर्जी लेफ्ट को ना तो सिर्फ सत्ता से उखाड़ने में कामयाब रही, बल्कि उन्होंने 2011 में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ भी ली। वो पिछले 1 दशक से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। अगर केंद्र में ममता बनर्जी की भूमिका के बारे में बात करें, जिसने ममता बनर्जी की पूरी छवि पश्चिम बंगाल में भी बदल के रख दी, वो थी उनका UPA 2 में रेल मंत्री होना। जब वो रेल मंत्री थी तो उन्होंने पश्चिम बंगाल को कई रेल सौगातें दी, जिसकी वजह से उनकी धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में छवि कैंडिडेट के तौर पर बनने लगी। केंद्र में मंत्री रहते हुए उन्होंने बंगाल में परिवर्तन का नारा दिया और 2011 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को जबरदस्त बहुमत मिला। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों में टीएमसी को अकेले 184 सीटें मिल गई, तो वहीं लेफ्ट पार्टी 62 सीटों पर ही सिमट गई। जब 2011 में वो मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता में काबिज हुई, उस वक्त उनकी पार्टी केंद्र में भी थी, लेकिन इसी दौरान 2012 में वो केंद्र की यूपीए सरकार से अलग हो गई। 2016 में पश्चिम बंगाल में दोबारा से विधानसभा चुनाव हुए और इस बार ममता बनर्जी की पहली सत्ता की वजह से उन्हें बम्पर वोट मिले। 294 विधानसभा सीटों में टीएमसी को मिले 211 सीट। जैसा कि हमने इस वीडियो के शुरू में ही बताया कि ममता बनर्जी बहुत सादे जीवन में बिलीव करती हैं, विश्वास करती हैं। वो आज भी अपने पैतृक घर में रहती हैं, जो कि हरीश चैटर्जी स्ट्रीट में है। कहा जाता है कि जब भी यहाँ पर बरसात होती है तो पानी पूरी गली में भर जाता है। आपको ये भी बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपने घर तक ईंटों के सहारे से जाती हैं। उन्हें ट्रेडमिल पर चलने का शौक भी है, उन्हें पैदल यात्राएं करने का भी शौक है और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब वो पैदल यात्राएं करती हैं तो वो 10 किलोमीटर एक साथ चल सकती हैं, जो कि उनकी उम्र के कई दिग्गज नेता आज भी नहीं चल सकते। गूगल पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में 2 चीजें जरूर सर्च की जाती हैं, ममता बनर्जी बांग्लादेश कनेक्शन और दूसरा ममता बनर्जी ने शादी क्यों नहीं की। अगर शादी के बारे में बात करें तो ममता बनर्जी का फोकस था हमेशा से बंगाल के लोगों की सेवा करना। साथ ही उनका ये भी कहना था कि शादी के बाद नारी की जो स्थिति होती है उससे वो बिल्कुल भी इत्तफाक नहीं रखती और उन्होंने समाज सेवा के लिए कसम खाई कि वो कभी शादी नहीं करेंगी। दूसरा सर्च किया जाता है कि वो क्या बांग्लादेशी हैं। आपको ये बताते चलें कि ममता बनर्जी के माता और पिता दोनों ही बंगाल के कलकत्ता के रहने वाले हैं और उनका बांग्लादेश से कोई संबंध नहीं है। साथ ही ममता बनर्जी की सफेद रंग की साड़ियां, जिसमें नीला रंग का बॉर्डर होता है, वो भी हमेशा चर्चा का विषय बना हुआ रहता है। तो आपको ये बताते चले कि ममता बनर्जी जो साड़ियां पहनती हैं वो बेहद सादी साड़ियां होती हैं और बंगाल के धाने खाली इलाके की होती हैं, जहां पर खास तौर पर बुनकर काम करते हैं और बुनकरों से ही वो अपनी साड़ियां बनवाती। ममता बनर्जी कई इंटरव्यूज में कह चुकी हैं कि वो ये सादी साड़ियां इसलिए पहनती हैं क्योंकि बंगाल में जिस तरीके का चिपचिपा मौसम होता है, ह्यूमिड का मौसम होता है, उस वक्त ये साड़ियां सबसे ज्यादा उन्हें ताजा रखती हैं। और अब बात करें इस साल यानी कि 2021 में 27 मार्च से जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें ममता बनर्जी की जो पार्टी टीएमसी है और बीजेपी बिल्कुल आमने सामने है, लेकिन ममता बनर्जी रविंद्रनाथ टैगोर के वाक्य एकला चलो को चरितार्थ करती हुई अभी भी नजर आ रही हैं। टीएमसी को उन्होंने अकेले खड़ा किया, वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी अकेले अपने दम पर बनी और अब देखना ये होगा कि क्या वो तीसरी बार भी पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज हो पाती हैं या नहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आप जानते थे कि ममता बनर्जी ने राजनीति में आने से पहले कौन कौन से काम किए, वो किस तरह की जिद्दी स्वभाव की महिला हैं? क्या ये तमाम फैक्ट्स आप ममता बनर्जी के बारे में जानते थे? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।